हेलो फ्रेंड्स रुचिका दिस साइड एंड वेलकम टू हिडन ट्रेजर एंड फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर घर में मिठाइयाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं और मैं भी आज आपके लिए एक ऐसी ही मिठाई की रेसिपी के साथ आई हूँ ये बेसन के लड्डू की रेसिपी है और अगर आप पूरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट लड्डू घर में बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ऑन फॉर बेसन के लड्डू हमने ये एक डीप पैन में एक कटोरी घी लिया है और इसमें मैं तीन कटोरी बेसन कर डालूंगी बेसन ये बाज़ार का चक्की का पिसा हुआ बेसन है इसलिए थोड़ा मोटा है अगर आप नॉर्मल पैकेट वाला बेसन भी यूज़ करें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इट इज़ जस्ट कि पैकेट वाले बेसन क्योंकि वो पिसा हुआ थोड़ा और फाइन होता है तो लड्डू थोड़ा दानेदार आ, कम बनता है बट टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता टेस्ट उसका भी उतना ही अच्छा आता है जितना चक्की के फ्रेश बेसन का पिसा हुआ लड्डू बनता है उसका आता है ये बेसन हमको स्लो फ्लेम पे क़रीब आधे घंटे तक भूनना पड़ेगा हाँ जी इसको भूनने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसको स्लो पे भून रहे हैं अगर हम इसको फास्ट पे तेज़ गैस पे भूनेंगे तो आपका बेसन एक तो जलने का भी डर होता है प्लस अगर वो थोड़ा सा आप हिला के कर भी लोगे तो भी वो इतना अच्छा टेस्ट उसमें नहीं आ पाएगा इसलिए इसको स्लो पे ही भूनिएगा और आ, बीच में कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको भुनना होता है ये अब हल्का सा बेसन मेरा भुन गया है अराउंड टेन मिनट्स के बाद और आ, मैंने इसमें अभी भी कलर तो नहीं आया है बेसन में बट फिर भी एटलीस्ट उसमें घी मेल्ट हो गया है और हल्का हल्का बेसन भुन गया है अब ये इसमें इलायची पाउडर बीच में मिक्स कर दूँगी और ये थोड़ा सा बादाम था पिसा जो मैंने आ, कोट लिया था हाथ से ही और वो भी बीच में मिक्स कर दूंगी बादाम आप चाहो तो बच्चों के लिए ज़्यादा भी डाल सकते हो इसमें इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ऑफ़ कोर्स वो फिर लड्डू को हेल्दी तो बनाता ही है बादाम बीच में भूनने से ये भी होता है कि बादाम में भी हल्की सी क्रंची आ जाती है क्योंकि जब वो बेसन के साथ भुनता है तो हल्का सा क्रंची हो जाता है बट थोड़ी देर बाद हल्का सा बेसन भून के ही डालिएगा वरना कई बार बादाम ज़्यादा भुन जाते हैं और वो ब्राउन ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हल्का सा जब बेसन भुन जाए आपका तभी आप उसमें डालिएगा बेसन खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं बेसन uh, में कैल्शियम बहुत हाई क्वांटिटी uh, में होता है जो बच्चों की हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इसमें प्रोटीन भी बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है इसलिए बड़ों के लिए भी uh, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं तो बड़ों के लिए भी ये लड्डू बहुत uh, अच्छे होते हैं इवन अगर किसी को घर में खांसी वगैरह भी लगी है जुकाम खांसी तो उसके लिए भी बेसन बहुत हेल्पफुल होता है uh, कफ़ रिड्यूस करता है बॉडी में और क्योंकि हम ये लड्डू घर पे बना रहे हैं तो हम उसके हर इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी चेक भी रख सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे अब घी ने आटे को बिल्कुल छोड़ दिया है ये देख के मत सोचेगा कि मैंने घी शायद और डाला है नहीं घी ने अब आटे को छोड़ दिया है और वह बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ गया है बेसन भी हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है इसको अभी भी मैं थोड़ा सा और भूनूंगी अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स और थोड़ा सा और वेट करेंगे बेसिकली ये बेसन के येलो कलर से भूनना हम स्टार्ट करते हैं और कैमल कलर पे अगर मैं आपको कलर की बात करूँ तो कुछ कुछ आपका बेसन कैमल कलर का या फिर डार्क मस्टर्ड कलर पे जाना चाहिए तब तक हमें इसको भूनना है और भूनना इसको हमें स्लो पे ही है अगर हम नहीं सोच सकते कि हम इसको फुल पे जल्दी से करके भून दें तो वो नहीं भुनेगा बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा लड्डू भी टेस्टी नहीं बनते हैं और ये देखिए ये अब बेसन मेरा अच्छे से भुन गया है मैंने इसको गैस पे से उतार के रख दिया है ये जब हम गैस पे उत से उतार के रखेंगे भी नीचे शेल्फ पे तो उसके बाद भी ये थोड़ी देर तक भुनता रहेगा क्योंकि वो नीचे से पैन की हीट बेसन को लगती है घी भी गर्म होता है अगर आपको लगता है कि आपका बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है तो आप उसको इमेजिएटली किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये बेसन मेरा ठंडा हो गया था अच्छे से इसमें अब मैं ये दो कटोरी चीनी डालूँगी सो so, हमारा जो मेन मेजरमेंट था वो ये था कि एक कटोरी हमने इसी ऐसी सेम कटोरी में मैंने एक कटोरी घी लिया था दो कटोरी पिसी हुई चीनी है चीनी पीस के दो कटोरी होगी पहले जो खड़ी चीनी होती है उसको दो कटोरी मत मानिएगा और फिर और तीन कटोरी बेसन था तो एक कटोरी घी दो कटोरी चीनी और तीन कटोरी बेसन का ये मेजरमेंट है जिससे हमें ये लड्डू बनाने हैं और क्योंकि अब बेसन ठंडा हो गया है और मैंने बीच में चीनी डाल दी है तो अब मैं उसको आ, मिक्स करना स्टार्ट करूँगी जब स्टार्टिंग में हम मिक्स करना स्टार्ट करते हैं तो लगता है नहीं ये चीनी भी शायद बहुत ज़्यादा है बट जैसे जैसे आप देखोगे कि मैं बेसन में इसको मिक्स करूँगी ये चीनी सारी की सारी बीच में मिक्स हो जाती है चीनी मैंने ये घर में मिक्सी में पीस ली थी उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया था और वो ही मैं मिक्स कर रही हूँ अगर आपके पास बाज़ार की पिसी हुई वाली चीनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उससे भी लड्डू थोड़ा और दानेदार ज़्यादा बनता है आ, तो ऑफ कोर्स आप वो भी यूज़ कर सकते हो चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको मीठा इसको थोड़ा कम करना है तो आप उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो बट चीनी थोड़े से ठंडे बेसन में ही डालिएगा बिल्कुल जिसमें आपका हाथ चल जाए ऐसे बेसन में अगर गरम बेसन में हमने चीनी डाली तो फिर वो चीनी सारी बीच में मेल्ट हो जाती है और अगर बाय चांस आप ऐसा कर दो तो फिर आप उसकी बर्फ़ी बनाइएगा एक प्लेट में डाल के उसका लड्डू नहीं बन पाएगा ये अब हम हाथ से चीनी अच्छे से मिक्स करनी स्टार्ट करेंगे और जैसे कोई आटा गूंदते हैं पहले हम ऐसे ही इसको गून लेंगे क्योंकि बेसन बिल्कुल ठंडा है तो मैं अच्छे से उसमें हाथ चला पा रही हूँ कई बार घी ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी लड्डू हमारा बन तो बहुत अच्छा जाता है बट वो गोल शेप नहीं लेता है तो अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट लड्डू आपका बनेगा इसमें मेरे को कोई गोंद भी डालने की ज़रूरत नहीं है कई लोग लड्डू को बाइंड करने के लिए इसमें गोंद भी डालते हैं आप चाहो तो डाल सकते हो ऑफ कोर्स वो भी हेल्दी होता है अपने आप में बट अभी ये नॉर्मल बस घी के उससे ही बहुत अच्छा परफेक्ट शेप लेगा और अब अब देखो चीनी भी उसमें अच्छे से मिक्स हो गई है जो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी और ये लड्डू हमारा प्रॉपर अब जुड़ रहा है अब इसके हम लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे लड्डू बनाने का एक तरीका होता है ताकि उसमें अच्छी शाइन ऊपर से आए और वो बिल्कुल गोल भी रहे तो आपको ऐसे हाथ में गोल पहले लड्डू इकट्ठा बना के ऐसे उसको हाथ में हल्का सा रोटेट करना है जिससे वो प्रॉपर उसके ऊपर शाइन बहुत अच्छी आएगी और दिखने में भी लड्डू बहुत सुंदर और बहुत टेम्पटिंग लगेंगे ये और ये देखिए मेरा लड्डू बन तैयार है ऐसे ही मैं और बाकी के लड्डू भी बना लूँगी और ये मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए नॉर्मल बादाम को टू पीस में काट लिया था ये भुने हुए बादाम नहीं है आप चाहो तो उसको भून के भी आधा काट सकते हो बट मैंने नॉर्मल बादाम को दो पीस में काट लिया है और ऊपर से लड्डू बना के मैं ऊपर से एक एक बादाम का पीस रखते जा रही हूँ जिससे वो दिखने में भी सुंदर लगता है प्लस आ, ऑफकोर्स खाने में तो ये लड्डू बहुत टिम्पटिंग है ही इतने मिक्सचर से हमारे आधा किलो बेसन के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे सो so फ्रेंड्स हमारे बाज़ार जैसे सॉफ्ट एंड क्रंची बेसन के लड्डू तैयार हैं क्रंच उसमें बादाम की वजह से आया है और सॉफ्ट तो वो हैं ही सो इफ़ यू लाइक द रेसिपी डो हिट द लाइक बटन कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर